सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आप सभी को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि RSVP सेट 2022, तो इसमें क्या है कि आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे जाकर के फिल कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आप कहाँ पे फिल करनी होती है, कैसे फिल करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो RSVP सेट CET, सो यहाँ का जो है सिंपली आपको यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचने हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप बताऊँगा। सिंपली आपको यहाँ पर गूगल सर्च करनी है और यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ नहीं भूलना कि IAS पर टाइप करना ही है। टाइप करने के बाद आपको सर्च करनी है, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करनी है, तो आपको दिखाई देगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। ओके, सो नीचे स्क्रॉल डाउन करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़, या नीचे आना पड़ेगा। बट उससे पहले जो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इस फॉर्म में क्या होता है, अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सभी डिटेल्स फिल करनी होती है। और फिर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी होगी, जिससे आपको ये होगा कि आपको RSVP CET के बारे में उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स, नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। कट करनी है, हैज़ बीन रिलीज फॉर वेरियस कोर्सेज, क्लिक हियर टू चेक अप्लीकेशन डिटेल्स, तो चेक करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को। तो गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 9th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। ये दो देश के टॉप 9 यूनिवर्सिटी हैं, इनमें फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है और यहाँ पर आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आसपास के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, काफ़ी दूर दूर के बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश को तो सभी बच्चे पढ़ाई करने आते ही हैं, बट सिर्फ इतना ही नहीं, जो फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। फॉरेन कंट्री के बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जब भी आप फॉरेन कंट्री के बच्चे के साथ, यानी कि लड़की लड़कियों के साथ, बॉय गर्ल्स के साथ अगर आप बातें करते हैं, बैठते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, खेलते हैं साथ में, तो क्या होता है कि आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ की गई है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है, यहाँ पर क्लिक करनी होती है, स्क्रॉल डाउन करनी है और यहाँ पर लिखा है कि आप अप्लाई कर रहे हैं या ये रजिस्टर्ड करें, तो क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हियर लिखा है तो क्लिक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर न्यू टैब में ओपन होते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तो आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, एक रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, तो आपने पहले से क्रिएट किया तो आप लॉगिन कर पाएंगे, आपने क्रिएट नहीं किया तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करनी पड़ेगी। तो जब ये क्लिक करते हैं आप, तो आपका अपना नाम यहाँ पर फिल करनी होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1995 है, January 1st, दिस इज़ माई बर्थडे। बर्थडे बताने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे, कंफर्म योर ईमेल आईडी, दोबारा से आप अपना ईमेल आईडी की पुष्टि करें, फिल करें। मोबाइल नंबर में यहाँ पर मोबाइल नंबर, कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड अप्लीकेशन फॉर क्या चीज़ के लिए भर रहे हैं आप, PhD, BEd या फिर MEd के लिए, तो आप यहाँ पर फिल करें और फिर आप सबमिट पे क्लिक करें, सबमिट बटन पे क्लिक करें, फिर आपके फ़ोन में OTP जाएगा, मुझे एंटर करना पड़ेगा OTP। तो OTP आ चुका है, यहाँ पर आ चुका क्या है, ओके ठीक है, सबमिट, ओके सबमिट हो गया। योर डिटेल सेव सक्सेसफुली एंड लॉगिन डिटेल, सेंड योर ईमेल आईडी मोबाइल, तो सक्सेसफुली हो गया सब कुछ, लॉगिन वगैरह। अब लॉगिन करना होगा मुझे, ओके लॉगिन पे क्लिक करना है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर पासवर्ड, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर मुझे चाहिए। तो पासवर्ड मुझे सेंड कर दिया गया है, आई सी, तो पासवर्ड मेरा और यूज़र नेम यहाँ पर मैं फिल करूँगा और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप करूँगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3098
6 5 हमेशा चेंज होते रहता है, जो भी यहाँ पर दिखे आप यहाँ पर देखें और लॉगिन पे क्लिक कर दें। सो ये आप जब भी लॉगिन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जहाँ पर अप्लाई फॉर आवेदन। तो यहाँ पर कितने सारे प्रोसेस होंगे आपके, स्टेप फर्स्ट होंगे, स्टेप सेकंड होंगे, थर्ड होंगे, फोर्थ होंगे। तो जितने भी आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्टेप आपको फिल करनी होगी। सो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, सेकेंड स्टेप में अकेडमिक रिलेटेड डिटेल, प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन थर्ड में होगा, और फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पर मेक पेमेंट, पेमेंट फिल मतलब पेमेंट करनी होगी, जो पेमेंट करना होता है पैसा, रजिस्ट्रेशन का फीस होता है वो फिल करनी होगी आपको। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है, अप्लाई करना होता है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आवेदन ठीक है, ये सारी चीज़ सही है। अब यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, आपका कैप्चा, सेंटर, प्रेफरेंस वगैरह फिल करेंगे यहाँ पर। पर्सनल डिटेल में नाम तो ठीक है, मदर नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, सेलेक्ट योर मैरिड या फिर सिंगल हैं आप नेशनलिटी बताएंगे आपके क्या है, जेंडर बताएंगे मेल या फीमेल, कैटेगरी कौन सी आपकी, माइनॉरिटी कैटेगरी है या नहीं आप, अगर है तो यस करें, नो है तो नो पे क्लिक करें। सो नहीं हो तो कश्मीरी, अगर आप हैं तो कश्मीरी बता सकते हैं, वेदर कश्मीरी माइग्रेंट माइग्रेंट, तो यहाँ पर आप यस या नो में आंसर देंगे। सेलेक्ट रिलीजन हिंदू, यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी सारे ऑप्शन है आपके पास। पर्सन विद डिजेबिलिटी यहाँ पर बताएं, अगर है आप पर्सन विद डिजेबिलिटी दिव्यांग व्यक्ति तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। अगर हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या चीज़ का है, स्पीच नहीं बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते, लोकोमोटर है या फिर देखने की प्रॉब्लम, नहीं देख सकते, ये कैसा कुछ तो होगा। जो भी होगा आपका आंसर बताएं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस देना होता है, फिर स्टेट सिटी, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। आपके पास दो एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, आपके पास एक ही एड्रेस है, सॉरी दो एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है टिक नहीं करना, आपको यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर दूसरा एड्रेस फिल करनी है, वो दूसरा एड्रेस कौन सा है, आपके पास एक ही एड्रेस, आप एक ही जगह रहते हैं हमेशा, एक ही एड्रेस आपके पास, यही एड्रेस देंगे जिस जगह पर आप रहते हैं, ठीक है यहाँ पर एड्रेस देंगे पूरा अच्छे से सब फिल करके, और फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो कैप्चा जो यहाँ पर कोड मतलब जो आपका एड्रेस रहेगा कॉपी हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको दोनों में एड्रेस सेम फील करना है। अगर आपका एक एड्रेस है, आपके पास दो एड्रेस है तो दोनों में अलग अलग फील करना है। अदर डिटेल में क्या आता है, ईमेल आईडी बतानी होती है, तो ईमेल आईडी आपकी जो भी होगी आप ईमेल आईडी बता देंगे। आपका यहाँ पर एजुकेशन स्ट्रीम होती है ये बतानी होती है, ट्रेडिशनल मॉडल जो भी आपका रहेगा, नियर बाय रेलवे बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एरिया बताना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट आधार कार्ड, यस आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड नंबर दीजिएगा। सेलेक्ट नेट आईडी होता है, यहाँ पर आपके पास है तो बता देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करना होता है, नहीं है मेरे पास तो नहीं पे क्लिक करूँगा। अपलोड करना होता है मुझे फाइल, चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा, और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर में सिंपली यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट साइज़ देख सकते हैं 20 KB 200 KB मैक्स है, और इसी तरीके से 200 KB 200 KB मैक्स है। तो ये सारी प्रोसेस है आपके, आप सेम है नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है आपको ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद। तो ये देख सकते हैं स्टेप सेकंड में आ चुके हैं, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो सेव हो चुका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आप आएंगे जहाँ पर आपको क्या करना होता है, एजुकेशन टाइप बतानी होती है, तो एजुकेशन टाइप जो भी आपकी होगी मॉडर्न टाइप या फिर ट्रेडिशनल टाइप होगी बताएँगे। पेसिव पेसिंग उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर बताएँगे, अच्छा आप यहाँ पर बता सकते हैं जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब क्लास बताएंगे, क्लास कौन सा, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे, पास हो चुका है फिर अभी भी बाकी है, पास हुए तो परसेंटेज बताना होता है, परसेंटेज बताएंगे, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है मार्क्स ऑब्टेन बताएंगे, और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे, फाइल उसके अपलोड कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप दिखाई देता है, ये कक्षा 10th की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है 10वीं क्लास आपने सारी चीज़ें उसके मार्क्स वगैरह बताने होते हैं। आप यहाँ पर बात करते हैं, आर यू विद्यापीठ एम्प्लॉई वार्ड, क्या आप विद्यापीठ के कर्मचारी हैं या नहीं है, हैं तो एम्प्लॉई नेम होगा वहाँ पे, आपका नाम होगा, आपका नाम अपना बताएं, वहाँ पर काम करते हो तो आपका नाम
मतलब आपका नाम था, अभी भी नाम जो है आपने यूज़ किया था, तो उस समय एम्प्लॉय बने थे, तो आपका नाम एम्प्लॉय नेम यानी कि काम करते समय, मतलब जो काम करते थे उस समय में, एम्प्लॉय नेम आपका नाम क्या था और रिलेशन क्या था वो बताएंगे। अगर आप कर्मचारी हैं तो बताएंगे आपका नाम वगैरह, रिलेशन नहीं है तो नो पे क्लिक करें। आर यू स्टूडेंट ऑफ विद्यापीठ, नहीं, अगर हैं तो यस करें। कोर्स बताना होता है, रिजल्ट बताना होता है और ईयर बताना होता है कौन से साल में हुआ, नहीं है तो नो पे क्लिक करना होता है। आर यू स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, तो नेशनल लेवल का खेलें या फिर इंटरनेशनल का आपको खेले हैं, है तो यस बताएंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, सिंपल। आर यू अ वॉर विंडो कैंडिडेट्स, क्या आप एक युद्ध विद्या उम्मीदवार हैं, यस, अगर हैं तो आप बताएंगे चिल्ड्रेन या फिर किल्ड इन द वॉर या फिर हॉस्टिलिटी सिक्रेटरी या फिर विंडो, जो भी यहाँ पर बताएंगे तो आंसर देंगे यहाँ पर अपना, ठीक है जो भी रहेगा, यस नो में। आप डिजेबिलिटी पर्सन हैं या नहीं है तो बताएंगे। आर यू एनसीसी स्टूडेंट, यस है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू एनसीसी स्टूडेंट, क्या दो बार क्यों दिया, अच्छा, क्या आप एनसीसी स्टूडेंट हैं, क्या आप एनसीसी के छात्र हैं, तो आप आंसर दे दें, दो बार पता नहीं क्यों बोला गया है। अगर इसमें भी यस करता हूँ तो क्या आंसर आता है, आई नहीं रहा ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं। तो ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट सेवन नेक्स्ट करनी होती है। हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, अब थर्ड स्टेप पे आ गए जहाँ पर आपको प्रीव्यू डिक्लेरेशन अप्लाई फॉर क्या चीज़ के लिए, अब ये सारी जो प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू देखने का काम होता है, बस इसमें देखना है कुछ गलती तो नहीं है, गलती हुए तो आपके पास चांसेस है कि आप सही कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो आप आगे मुश्किलें पैदा होंगी, मुश्किल आ सकती हैं आप सभी को। तो आप यहाँ पर देखेंगे सब सही है, अगर आपको सब कुछ परफेक्ट है, सब राइट है, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कीजिएगा, और यहाँ पर आप डिक्लेरेशन आई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर टिक करनी होती है, टिक करने के बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करनी होती है। तो जब भी सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टेप फोर्थ आपको मेक पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक करनी है। आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करनी होती है, जहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करना होगा, पे विथ डेबिट कार्ड, HDFC या फिर नेट बैंकिंग यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, इस टोटली डिपेंड ऑन यू। 15 मिनट आपके पास टाइम है, 14 मिनट 15 मिनट आपके पास टाइम है, आपको फिल करना होगा। ओके, आपको सारी प्रोसेस, सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस थे, आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके पेज पर आ जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।